वेलकम गाइस, आज का वीडियो जो है ई श्रम कार्ड से संबंधित होगा, जिसमें ई श्रम कार्ड से को लेकर जो है बहुत बड़ी जो है खुशखबरी वो निकल कर आ रही है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज़ के द्वारा एक आर्टिकल लिखा गया है, जिसमें क्या बताया जा रहा है कि ई श्रम कार्ड खुशखबरी जल्द खाते में आ सकते हैं 1,000 रुपये, यानी 21 तारीख को ट्रांसफ़र होगा पैसा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो खबर निकल कर आ रही है इसमें क्या क्या बताया जा रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को पूरा डिटेल बता देता हूँ कि किन किन लोगों को जो है ये 1,000 रुपये मिलेंगे और कब तक जो है ये 1,000 रुपये आपके खाते में आ सकते हैं। तो पूरा डेट बताऊंगा आप लोगों को, तो दोस्तों आप लोगों को पूरा एंड तक जो है वीडियो को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले देश भर में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई खास योजनाएं चलाई जा रही है ई श्रम कार्ड को लेकर, जिसके तहत गरीब जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। यहाँ पर आगे क्या लिखा गया है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिसके तहत गरीब जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। हाल ही में योगी सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 500 रुपये महीना देने का ऐलान किया गया था ई श्रम कार्डधारियों को। पिछले महीने सरकार ने इस स्कीम के तहत 1,000 रुपये की राशि जो है 2 करोड़ श्रमिकों के खाते में ट्रांसफ़र भी कर दिया था। आइए अब आपको बता दें कि इसकी अगली किस्त जो है कब तक आ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है कि ई श्रम कार्ड पर अब तक 22 करोड़ से ज़्यादा जो है श्रमिक जो है रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे और क्या बताया जा रहा है, जिसमें 200 रुपये देना था भत्ता। आपको बता दें इस पोर्टल के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाले कुल 2,000 रुपये भत्ता दिया जाना था, लेकिन अब तक 1,000 रुपये ही ट्रांसफ़र किए गए हैं। इसके बकाया 1,000 रुपये भी लोगों के खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इस समय सभी लोग अगली किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार जो है कभी भी जो है 1,000 रुपये की जो अगली किस्त है उसे श्रमिकों के खाते में जो है ट्रांसफ़र कर सकती है। इसको लेकर अभी किसी प्रकार के कोई तिथि का निर्धारण तो नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्या बताया जा रहा है कि इस योजना के मुताबिक योगी सरकार दिसंबर से मार्च तक बकाया के 1,000 रुपये ट्रांसफ़र कर सकती है, यानी कि दिसंबर माह से मार्च तक, यानी कि अभी जो है जनवरी के 15 तारीख पार हो चुके हैं। अभी आप लोगों को और 15 से 1 महीना जो है वेट करना है, जिसके बाद जो है आप लोगों को दूसरे किस्त के रूप में जो बकाया 1,000 रुपये है वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये कुछ न्यूज़ निकल कर आए थे जिसमें ई श्रम कार्ड से संबंधित। दोस्तों अगर आप भी परेशान हैं कि अगले किस्त जो है कब आएगी, इसको जानना चाहते थे, तो दोस्तों आप लोग के लिए ये जो है जानकारी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो इसी प्रकार के ई श्रम कार्ड और अन्य योजनाओं से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।